जब बाना साहब ऐसे आज आपको किसने बता दिया कि रिदा ने भी ब्लैक पहना हुआ है? क्या आप लोगों ने मैचिंग की हुई है? ये हुस्न इत्तफाक है, पता वैसे मुझे यहाँ आकर चले। ए पीटी है रिदा ने को हर रंग दे कपड़े ने। सियासत का पता होवे ना होवे कॉम्बिनेशन का पता जरूर होता है। सही बात है, पॉकेट स्क्वायर से पता चल रहा है। उसे इना जी मनो ना मनो। हाँ जी। इना दा वेलो हुलिया सारा परिजा दरगा जी। पीटीआई ने ना पंजाब का कुछ नहीं बनाया, सिर्फ अपने अच्छे कपड़े बनाए। तो फिर शुक्र अदा करो ना, सिर्फ कपड़े ही बनाए ने, यूके दे विच फ्लैट तो नहीं बनाए। प्लीज तशरीफ रखें जब बाना साहब। क्या हाल चाल है आप दोनों के, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह एवान, आप कैसे? अल्लाह ताला का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से हैं? ठीक हैं, इस मुल्क से ठीक हैं। वो कैसे? जो तो मर्जी 12 रुपए बता देंगे, जो तो मर्जी 10 रुपए बता देंगे। तो खुश खुरम होना चाहिए, 10 रुपए घटाया है, पेट्रोल और डीजल घटाया है, बल्कि बिजली का बिल भी घटा देता है। सर जी वैसे तरीका अच्छा है, 12 बता के 10 घटा देंगे। जो तो बताया सी तो उदो भी दूसरा इंटरनेशनली रेट बढ़े सी। उन इंटरनेशनली रेट वधण दे बावजूद जिहड़ा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जिहड़ा फैसला किया है, मैं समझना कि वह बहुत खुशोखुरम है। और ना सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमत घटाई बल्कि बिजली दी 5 रुपए पर यूनिट जिहड़ी कीमत घटानी है, बड़ा ही अच्छा है। 130 तक बताता है उहदा कौन सा? रिदा मुझे ये बताओ कि इतने सारे काम आप कैसे कर लेती हो? वेब होस्टिंग भी करती हो, टिकटॉकर भी हो, ब्लॉगर भी हो, टाइम मैनेजमेंट ये किस तरह से पॉसिबल है इतने काम एक साथ करना? आप एक चीज भूल गए हैं, मेरा अभी अभी एमफिल कंप्लीट हुआ है, मैं एमफिल। ओह यस, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो जी, मुबारक हो। पढ़ाई में भी भाई लड़की के फुल मार्क्स हैं, देखिए एमफिल। नहीं पूछो, वाह वाह कैंडे है, तेनू एमफिल दा पता है? एमफिल दा मेनू पता है की फुल पढ़ाई। एमफिल दा मतलब है मलक फारूक। नहीं नहीं, एमफिल दा मतलब है मैट्रिक जो बार बार फेल। जी रिदा है ना, ऑब्वियसली मुश्किल होता है, लेकिन मैं थोड़ा मीडिया थिंग्स को इस तरह से मैनेज करती हूँ कि जब मेरी स्टडीज स्टार्ट हो जाती थी तो मैं थोड़ा होल्ड कर लेती थी, फिर ऑन एंड ऑफ। और टिकटॉक पे भी मैं इतना रेगुलर बिल्कुल भी नहीं हूँ, कभी कभी बना लेती हूँ तो वीडियो अच्छी चली जाती हैं। तो ये ब्लॉगिंग करना मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल चीज़ है, और इसमें आपको ऑनेस्ट होना पड़ता है। जब कोई ब्रांड्स की चीज़ें आती हैं और वो कहते हैं इसका रिव्यू दे दो, तो कितना सच्चा रिव्यू देती हो? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मुझसे ब्रांड बात करते हैं ना, तो जब चार्जेस पे बात आ जाती है तो फिर उसके बाद कहते हैं कि फिर हम आपको एक स्क्रिप्ट देंगे, आपने उसके मुताबिक बात करनी है। तो फिर मैं उनको अच्छा अच्छा करके जब चीज़ें आ जाती हैं फिर मैं यूज़ करती हूँ खुद। अच्छा। फिर उसके बाद अगर वो मुझे अच्छी लगती है तो मैं प्रॉपर रिव्यूज़ ऑनेस्ट देती हूँ, ये नहीं है कि पैसे मिल रहे हैं तो बस जो भी कहते हैं। आप कितनी सच्ची हैं? साड़ी पर जाई फीने दी बुढ़ी 7 बारी कह चुकी है कि प्लीज़ आप घर से निकल जाएं, लेकिन मानता नहीं, कहना जोक कर रही है। हो सकता है उनकी केमिस्ट्री ऐसी हो, वो वाकई जोक कर रही हो। नहीं, आश्रम में एक बंदे ने कहा जी नीले थोथे की पब्लिसिटी कर दियो। अच्छा। कहता पहला खा के चेक करांगा। खा बैठा तो 7 दिन बेहोश ही रहा। इस गलो आसम इकबाल ने क्या बात है, इनू किसी ने कहा जी पेट्रोल दी मशहूरी करनी। अच्छा। ये भी इना को कहता जी पहले मैं चेक करांगा पेट्रोल असली है कि नहीं, फिर मशहूरी करांगा। अच्छा। इन्हें इंज करके पेट्रोल तीली बाल के सुटी, बस फिर ना मशहूरी वाले लब्बे ना ये लब्बे। नहीं लब्बे लेकिन घट के गया ना 10 रुपया, ये सोच तो की थी। अच्छा, इन्हों का नक छोटा हुआ, इन्होंने पेट्रोल का पता नहीं लगा, जो घुट भरया इन्होंने फिर क्या तो पेट्रोल ही मिला दा, स्मेल नहीं आती इन्होंने। जब वाना साहब पिछली दफा तो आपने इलेक्शन आजाद लड़ा था, इस दफा किस जमात के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, या फिर एक बार फिर से आजाद है तो क्या गम है वाली कहानी दोहराना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि मैंने आज तक किसी भी पार्टी में टिकट अप्लाई नहीं किया, और इंडिपेंडेंट ही अल्लाह ताला के फजल करम से और लोगों के मेहरबानी से असेंबली में आने का मौका मिला है। यकीनन मैं जो है पीटीआई से ही जो है कॉन्टेस्ट करना चाहेंगे। चलें, ऑल द वेरी बेस्ट। रिदा मुझे ये बताओ कि क्या कोई वायरल होने का इस दौर में फॉर्मूला है? क्या समझती हो कि क्या ऐसा कर सकते हैं कि आप वायरल हो सकते हैं, और जो नए आने वाली लड़कियां हैं, मॉडल्स हैं, होस्ट्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, कैसे वायरल हो सकती है? वेरी ऑनेस्ट, दो चीजें होती है, गुड फेम एंड बैड फेम। तो आप वायरल तो बैड फेम से विद इन अ नाइट हो जाते हो, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, वो बस। तो आप स्लो एंड स्टडी, अपनी स्टडीज को प्रायोरिटाइज करो, ये चीजें आप अपना बैकअप प्लान रखो कि बस ठीक है ऑन एंड ऑफ आपने कर लिया। लेकिन हमारे यहाँ पे होते हैं कि जो बैड फेम और वो लॉन्ग लास्टिंग समझते हैं,
तो वो होता नहीं है। वायरल होना कोई डाउट का काम नहीं है, जी? जी? बड़ा सौखा काम है, कोई भी पुठी हरकत करो वायरल हो जाए। राशद है, इधर नासा वड़ियां ने, इधर जी बागा पाके खोता पाके टोरो वायरल हो जाओगे। अच्छा इन्हें भी बड़ा दिल की था मैं वायरल होवा, एक बंदे ने कहा फिर ने छत तो छाल मार दे, इन्हें मारती वायरल तो नहीं होया फिर वायरल हो गया। जबाना साहब क्या लगता है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स कुकिंग? हम सबको जहांगीर खान तरीन की सेहत के लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। और यकीनन जहांगीर खान तरीन साहब की बहुत सारी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए खिदमात हैं, और उन्होंने आज तक एक भी स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ नहीं की, नहीं दी। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज भी जहांगीर खान तरीन जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ खड़े। रिदा मुझे ये बताओ, आप वेब शो भी होस्ट करते रहे हो, वो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने बहुत कुछ लर्न किया। एक्चुअली पहले 2018-17 पे मैं रोड शोज़ किए थे, वो भी बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर वो जब ख़त्म हो गया, फिर दोबारा जब वेब चैनल मैंने ज्वाइन किया तो उसमें सुहेल बड़ाई थी, इनके साथ मिलने का मौका मिला और प्रॉपर उनका लाइफ स्टाइल देखने का मौका मिला, अच्छा एक्सपीरियंस था और है। तो क्या समझती हो, आउटडोर ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, टेक्निकल होता है, या जब आप इनडोर स्टूडियोज़ में बैठ के एक शो होस्ट करते हो? एक्चुअली द थिंग इज़ कि हमारे पहले जो होस्ट आते थे ना, उनको वो सफ़ा होस्ट होते थे, उनको सफ़ा पकड़ाते थे और उन्होंने वर्ड टू वर्ड पढ़ना था। इफ़ आई सी माई सेल्फ, आप पढ़ कर आते हो, आपको पता होता है कैमरे के पीछे कैसे चल रहा है, फ्रेम क्या हो रहा है, अब आपने एडिटिंग में भी बैठना है। अब के जो होस्ट आ रहे हैं ना, वो टेक्निकल चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, उनकी कमांड दोनों चीज़ों पे होती है, उनको सफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं पड़ती उनको सीखने की। तो व्हाट यू थिंक, एजुकेशन इसमें बहुत वाइटल, बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। यानी आ रहे चलाकू मासियां आ रही हैं। ये आपका इशारा मेरी तरफ है? बिल्कुल आपकी तरफ है। अभी तो कोई चलाकू मासी वाला मैंने सवाल ही नहीं पूछा, अभी तो सवाल मैंने पूछने हैं दोनों से। मासी कहना ज्यादती है, मासी नहीं है ना जी, चलाकू कुड़ी कह सकते। मैं हिना ली हूं, मैं हिना दी फेवर दी गल। थैंक यू, थैंक यू, मैं भी आपके साथ। फैसल साहब आप ये बताइए, आप कितना एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, और सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ कि कोई सोशल मीडिया आप यूज करते हैं तो वो कौन सी है? देखिए सोशल मीडिया जो है वो आजकल वक्त की जरूरत है। किसी भी फील्ड में अगर जाएं तो सोशल मीडिया जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स भी जो है उसमें भी सोशल मीडिया का एक इंतहाई अहम रोल है। और डेफिनेटली जिस तरह बाकी लोग सोशल मीडिया पे का सिलसिला कंटिन्यू किए हुए हैं, हमारी भी वही सूरत है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन में मैं नहीं हूँ, लेकिन एवरेज अगर कहें तो वो जरूर। तो रिदा मुझे ये बताओ कि सबसे पहले घर में मार किस बात पे पड़ी थी और कब पड़ी थी, क्या एज थी, कुछ याद आता है? To be very honest, I am the only sister and daughter, तो बड़ी pampered और वो सारा not that, नहीं तरबियत में आर्मी ट्रीटमेंट ही था, बट द थिंग इज कि वो अलो नहीं था किसी को कि कोई हाथ लगा सकता है। तो अम्मा अब्बा ने भी कभी नहीं डांटा, कभी भी नहीं, नॉट आई डोंट रिमेंबर। साफ लग रहा है कोई कुड़ी नु कभी मार नहीं पई, मार जिन्होंने पेंदे ना हिना जी, फिर बाद जो चैनल ते बैठ के ऊंची ऊंची हसदियां ने। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी कभी मार नहीं पड़ी। और जिन्होंने बहुत ही मार पेवे ना उनके नाक ही बह जांदे ने। इन्हें लगता पिछो पेंदरी दा नक अग्गे निकलाया, इन्हें नक तो फड़ के ता पियो मारदा सी, इधर आए ना इधर आए ना। अच्छा हिना मुझे ना अपनी मामा के साथ हर जगह जाने का बहुत शौक होता था। आई वॉज जस्ट 10 years old एट दैट टाइम। मेरी हाला हॉस्पिटल में बीमार थी और मेरी मामा मेरे बड़े भाई के साथ जा रही थी और मुझे साथ नहीं लेकर जा रही थी, तो मैंने उनको कहा ले जाएं ले जाएं। उन्होंने एक पापा को कहा कि सईद जरा आप इसका ध्यान रखें। अच्छा। अब पापा के फ्रेंड्स आए हुए थे, पापा बाहर से आए हुए थे तो उनके फ्रेंड्स आए हुए थे, तो पापा उनमें लग गए, तो मुझे बाहर जाके ना मैं और रोने लगी। मामा कहते हैं आओ गाड़ी में बैठ के मेरे साथ चले जाओ, तो मैं गाड़ी में बैठ के चली गई। लेकिन जब मैं वापस आई पूरे मोहल्ले में ऐलान करवा दिया हुआ था हर जगह, मेरे छोटे भाई पंप कर रहे थे पापा को रिदा यहाँ पे भी नहीं है, पूरा घर ढूंढ लिया। अब उस टाइम पे फोन का जमाना भी नहीं, नहीं था, पीटी सेल लगा होता था। जब मैं आई आई स्टिल रिमेम्बर, पापा ने मामा को तो कुछ नहीं कहा, पापा मुझे लेके समर वेकेशन थी और मुझे धूप में खड़ा कर दिया था कि आपको जब कहा था पापा के पास रहना है तो इन्फॉर्म किए बिना आप गई क्यों? और उनको तो कुछ नहीं, मामा को कहा, उन्होंने मामा को कहा तुम्हारी भी गलती है इसकी, लेकिन मुझे धूप में खड़ा कर दिया। हिना जी, राशद जी, राशद जी सास साहिबा बीमार सन। अच्छा, इन्हें हॉस्पिटल दाखिल कराया,
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਲਨ ਗਰਮ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਕਿ ਜੀਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਲਵਾ ਦੇ